हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम अपना जो पार्ट थर्ड था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इन्वायरमेंट के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये आपकी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी के थोड़े बहुत इसमें टॉपिक वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस में जो आपको करवा रहा हूं ये यूपीएससी लेवल के हैं, जो कि फाइनेंस अकाउंटेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इनको आप स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में है उसी के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन मिलेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। और हमारी एक बुक लॉन्च हो चुकी है एमसीक्यूज ऑन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे, उसमें 140 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम पे जाके उसको ज्वाइन टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहाँ से उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अगर आपने अभी तक हमारे बाकी इसके टू पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे साइंस का देख लेना। ठीक है, मेन सोर्स क्या रहता है वाटर पोल्यूशन का, मैं दोस्तों बता दूँ कि वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है। रेन वाटर से क्या पोल्यूशन हो रही है, या फिर एटमोस्फेरिक पोल्यूशन हो रही है, वेल वाटर से हो रही है। तो दोस्तों ये जो पोल्यूशन का मेन सोर्स है वो आपका सीवेज वाटर रहता है। ठीक है, सीवेज वाटर के कारण वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो पढ़ा आपने, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो पढ़ा गाइस? यस सर पढ़ा। किस तरह से था? इस तरह से था। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, यहाँ पे कंज्यूमर थे, और यहाँ पे आपके डिकम्पोजर थे। क्लियर, किस तरह से था, किस तरह से आपका एनर्जी फ्लो था। देखिए प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस यानी कि जो फूड प्रोड्यूस कर रहे थे आपके प्लांट्स हो गए। ठीक है, प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कंज्यूम करने वाले कौन थे, कंज्यूम करने वाले कौन से होते हैं, गोट होगी, एनिमल्स होंगे आपके। ठीक है, एनिमल्स हो गए। डिकम्पोजर्स कौन से हो गए, जो कि इनको खाएंगे। ठीक है, और ये जो इसका जो राइट ऑप्शन आपको पता है, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर्स आता है। ठीक है, अब एक डेटरी वर्ड्स भी होते हैं, उनको छोड़ो आप, डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनको खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन, अर्थ डे जो होता है कब मनाया जाता है, 16 फरवरी को, 14 अप्रैल को, या 22 अप्रैल को, या फिर सितंबर 17 को। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका अप्रैल 22 है, अप्रैल 22 को ही इनका अर्थ डे बनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, ये क्वेश्चंस मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका 28 फरवरी को किया जाता है, 22 फरवरी को ये किया जाता है आपका, 2 फरवरी को। अगर किसी को याद हो इसका कोई थीम बता सकते हैं मुझे कमेंट करके बता देना, अगर किसी को याद होगा करंट अफेयर का। उसके बाद आता है क्या पता दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगी एग्जाम में। UNEP स्टैंड फॉर, देखिए आपको जीके में क्वेश्चन आ सकता है, यूनाइटेड नेशन, ये तो बनेगा ही, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिन वैली नेशनल पार्क PBNP इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्या जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर सिक्किम में है। ना तो ये सिक्किम में है, ना तो ये यहाँ पे, तो ये आपका लाइक करता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक ग्रास चोपर ईट ग्रास, ए रैबिट ईट्स ग्रास चोपर एंड ए फॉक्स ईट्स रैबिट। देखिए किस तरह से, ये मुझे नहीं यकीन नहीं हो रहा है कि एक यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, बट हैं ये यूपीएससी लेवल के। ग्रास चोपर ईट्स ग्रास, ग्रास चोपर ने क्या खाया, ग्रास को खाया, ग्रास चोपर ने इसको खाया, ग्रास को खाया। ठीक है, और उसके बाद ग्रास चोपर ने खाया ग्रास को, और रैबिट ने खाया ग्रास चोपर को। ठीक है, रैबिट ने खाया ग्रास चोपर को, और उसके बाद फॉक्स ईट्स द रैबिट, फॉक्स ने खाया रैबिट को। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पोजीशंस ऑफ द ग्रास चोपर इन द फूड चेन, फूड चेन में इसकी क्या पोजीशन है। सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डिस्कस इज नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इज फंक्शनल रोल इन द ह्यूमनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक क्या रहता है कि जब आप ये चीज़ पढ़ोगे ना, बट इट्स फंक्शन रोल इन द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फंक्शन या रोल रहता है ना जो कम्युनिटी में, इको सिस्टम में जिस स्पीशीज का, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नाइज. इकोटोन क्या होती है? इकोटोन्स मतलब होता है जो जंक्शन रहता है डिफरेंट व्योम्स का, टू व्योम्स का. तो हैबिटेट्स रहता है कि यहाँ पे स्पीशीज रहती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ. देखिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको बोलते क्या हैं, क्या बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं. आपने ये चीज़ पढ़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व उसको बोला जाता है. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सुचेशंस इवन ए वियर रॉक आर एक्चुअली ए सिंबॉलिक एसोसिएशंस ऑफ. लीचेंस होती हैं और उसके साथ क्या होता है, एक तो आपका होता है ना पॉइनर कम्युनिटी जो कि आपकी फर्स्ट होती है, लास्ट वाली को क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स बोलते हैं शायद, कम्प्लेक्स कम्युनिटी. लास्ट वाली को कम्प्लेक्स बोलते हैं, फर्स्ट वाली को पॉइनर बोलते हैं. तो उसमें लीचेंस रहती हैं और उसमें आपके एल्गी और फंगाइस रहती है. ठीक है, होप सो गाइस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, फाइनेंस अकाउंट और सब इंस्पेक्टर के लिए. तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा. लास्ट पार्ट आपका इसका जल्दी ही मिल जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम अपने जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जो सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे. ये UPSC लेवल के क्वेश्चन थे, इसलिए आपके साथ शेयर करना जरूरी था. आई होप आपको ये अच्छा लगो, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें.